So friends, if you like my videos, please subscribe my channel and support me. Sassi, Sassi ka shahir. Banbhore Raja Dahir ek raja tha, ek hakumat karta tha. Uske haan aa jata hai ki aulaad honi thi aur wo beta expect kar raha tha. Lekin ek beti hui. Jo us zamane mein Hindu the, unhone kaha ki ye tumhare liye ek curse hai. Isko jitna jaldi ho sake farig karo. तो राजा दहर ने उसको एक वुडन बॉक्स के अंदर डाला और इस दरिया में पीछे जो घारू ग्रीक है इसमें रख दिया. वो कहा जाता है कि वो तैरता तैरता एक धोबी के हत्थे चढ़ा. वो धोबी का काम करता था, उसने उसे गोद ले लिया. उसकी औलाद वगैरह नहीं थी तो उसने उस लड़की का नाम सस्सी रखा. सस्सी सुना जाता है कि बहुत खूबसूरत थी, अपने ज़माने के लिहाज में शहज़ादी कहलाई जाती थी और उसकी खूबसूरती के किस्से बहुत मशहूर थे. ये बात उड़ते उड़ते पन्नू को पता लगी, जो कि एक बादशाह था बलूचिस्तान का. वो बादशाह था, बादशाह का बेटा था, प्रिंस शहज़ादा था. उसने चलते चलते वो इधर आ गया बंबोर. उसने यहाँ पे जगह देखी, फिर उसके बाप को बहाने के कपड़े दिए कि ये मेरे कपड़े दो, किसी बहाने मेरी सस्सी पे नज़र पड़ जाए. और जब उन दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा तो वो फर्स्ट लव इन फर्स्ट साइट था. और फिर शहज़ादा चाहता था कि मैं, पन्नू चाहता था कि मैं इससे शादी कर लूँ. लेकिन उसने, बाप ने बोला कि मैं तो इसकी शादी किसी धोबी से ही करूँगा. उसने कहा तुम्हें कपड़े वगैरह धोने आते हैं? तो उसने उसका टेस्ट लिया पन्नू का, सस्सी के बाप ने. शहज़ादे ने कभी कपड़े धोए नहीं थे तो उसने वो कपड़े धोए और सारे फाड़ दिए. लेकिन शहज़ादे ने ये किया कि उन कपड़ों की जेबों के अंदर सोने के सिक्के रख दिए और ये ट्रिक काम कर गई. और उसका बाप, सस्सी के बाप ने उसकी शादी, सस्सी की शादी पन्नू से कर दी. ये बात इनके भाइयों को पता लगी, पन्नू के भाइयों को. वो पहले बहुत नाखुश थे, चाहते थे इसकी हम किसी तरह हम इसको अलग कर दें. लेकिन उन्होंने उसकी शादी में शामिल हुए, प्रिटेंड किया कि बहुत खुश हैं. और शादी की पहली रात ही पन्नू को उन्होंने कुछ नशावर चीज़ें मिला के दे दी. और जब वो पन्नू सो गया तो उसको उठा के वापस बलूचिस्तान वाली साइड पर ले गए. जब सस्सी को ये बात पता लगी तो सस्सी गम में पागल, पन्नू चलाते हुए प्यासी रेगिस्तानों में जाते हुए बलूचिस्तान तक निकल गई. और सस्सी का ये वाकया शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई की किताब कह लें शाह जो रसालों के अंदर सुर सस्सी के नाम से है, जिसमें वो बताते हैं कि सस्सी किन किन रास्तों से होते हुए गुजरी. उस सब की डिटेल शाह साहब शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई ने शाह जो रसालों में सस्सी के सुर में पेश की. और कहा जाता है कि जब सस्सी रास्ते में थी तो उसको एक जगह पे किसी बंदे ने उसको देखा और उसकी खूबसूरत थी तो उसका दिल जल जाया उस पर, तो वो उसके पीछे भागा. सस्सी ने शोर मचाया और वहाँ से निकल गई और ये दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे मेरी हिफाजत कर और मुझे किसी घड़े में या कहीं संभाल ले. किससे हैं अब कहाँ तक सही है. और एक कहा जाता है कि फिर वो एक ज़मीन खुली और उसके अंदर वो धंस गई. इसी तरह पन्नू भी इसी तरह जब उसकी आँख खुली तो वो भी सस्सी सस्सी चला.